उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग करने में भारत को सफलता मिलने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जो देश परोक्ष युद्ध में लगे हैं उन्हें इसे बंद करना होगा। उन्होंने इससे पहले उरी हमले के विरोध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। वहीं अमेरिकी संसद में पाक के खिलाफ एक विधेयक पेश किया गया है। दो अमेरिकी जनप्रतिनिधियों ने यूएस कांग्रेस में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने का एक विधेयक पेश किया है। दक्षिण एशियाई देशों में भी पाकिस्तान को खोजने से भी दोस्त मिलना मुश्किल हो रहा है। उरी हमले पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान सब चिंतित है। भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने दक्षिण एशिया में जारी हिंसा के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहराया है। बांग्लादेश ने तो पिछले महीने सार्क गृह मंत्रियों की बैठक में भी अपने गृह मंत्री को नहीं भेजा था। भारत और अफगानिस्तान मिलकर सार्क शिखर बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला कर सकते हैं। यूएन में भाषण से पहले नवाज शरीफ को डबल झटका लगा है। कह सकते हैं कि भारत की नीति रंग ला रही है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और देशों ने भी भारत का समर्थन किया है। देखते रहिए टीवी लाइव।